नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि ऋषभ पंत के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि ऋषभ पंत को 2021 दिल्ली कैपिटल के लिए कप्तान बनाया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बता दूं कि लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी और विकेटकीपर ऋषभ पंत को आईपीएल टीम के लिए दिल्ली का कैपिटल बनाया गया है। ऋषभ पंत को कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह, श्रेयस अय्यर को चोटिल होने की वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा और उनकी जगह पे अब ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल की ओर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बता दूं कि दिल्ली कैपिटल ने आज मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि आईपीएल 2021 के लिए ऋषभ पंत हमारे कप्तान होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज के दौरान चोटिल होने की वजह से श्रेयस अय्यर इस सीजन में नहीं खेल सकेंगे। अब उनकी जगह ऋषभ पंत को टीम का कमान सौंपा गया है। अब देखने वाली बात हो यह होगी कि ऋषभ पंत किस तरीके से अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही मैच दर मैच ऋषभ पंत का प्रदर्शन कैसा रहता है। इससे पहले अगर दिल्ली कैपिटल की ओर से जारी बयान में बता दूं तो श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है और उनकी अगुवाई में पिछले साल टीम अपने आईपीएल फाइनल में भी पहुंची थी, जिससे फ्रेंचाइजी हमेशा ही उनका सहयोग और साथ ही तैयार है। लेकिन ऐसे में ऋषभ पंत को एक बड़ा चुनौतीपूर्ण और साथ ही टीम का कमान सौंपा जाना अब ऋषभ पंत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होगी और साथ ही अपने आप को और भी बेहतर बनाने की सबसे बड़ी चुनौती। जब दिल्ली कैप्टन की कप्तानी भी संभालेंगे, अपने विकेट कीपिंग भी करेंगे और साथ ही जिस अंदाज में ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं वह भी जारी रहेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है युवा टैलेंट के लिए और साथ ही ऋषभ पंत टीम ऋषभ पंत को लेकर कितना आगे तक जाती है।